हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विवेक के बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जांपल में हार्दिक स्वागत करता हूं हमें एग्जांपल कलम से क्रांति स्टार्ट करते हैं बेटी चलिए कल हम लोगों ने व्यंजन किए और व्यंजनों को हमने देखा कि व्यंजनों को कैसे वर्गीकृत करते हैं हमने कहा कि उच्चारण के आधार पर 33 व्यंजन हैं लेखन के आधार पर 39 व्यंजन हैं 39 व्यंजन में जब लेखन के आधार पर तेरह स्वर वर्णमाला के स्वर जुड़ते हैं तो कुल बावन वर्ण हो जाते हैं हमने स्वर का स्पर्श व्यंजन में कैसे हमने देखा था ना कल कि हमने देखे कि व्यंजन को हम चार ग्रुप में बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या देखते हैं स्पर्श व्यंजन तो हमने देखा स्पर्श व्यंजन में कि इनके उच्चारण में जो जीव होती थी इनके उच्चारण में जीव हमारे मूल उच्चारण में मूल उच्चारण स्थानों को छूती थी मूल उच्चारण स्थानों को छूती है टच करती है स्पर्श करती है मूल उच्चारण स्थानों को फॉर एग्जाम्पल यदि कंठ को करे तो का वर्ग वाले जितने होते हैं काखा घा गान खा गा यदि जीव तालु को करे तो चा वर्ग वाले जीव उल्टी होके मूर्धा को टच करे तो टा वर्ग वाले जीव दांतों को टच करे तो ता वर्ग वाले और जीव हमारे होत्रों को टच करे तो पा वर्ग वाले वर्ग में हमने देखा था ता था दा धा ना। याद रखिएगा सा रा और ला इन्हें भी दांत वालों के आगे लिख लेना क्योंकि कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि सा रा ला इनका उच्चारण स्थान भी यहीं से होता और एक बात में आपको थोड़ी पते की बता दूं आपका जो पेपर आता है चाहे यूपी ट्रिपल एससी ले चाहे यूपी पुलिस ले कामता प्रसाद गुरुजी की व्याकरण से लेती है मैंने पेपर देखा मैंने वर्णमाला के क्वेश्चन कराए तो स र मैं वर्त से भी कराऊंगा एक आपको स्थान कि इनके उच्चारण में हमारी जीभ मसूड़े को छूती है लेकिन पेपर में दंत दे रखा था पूछ रखा था इसमें से किसका उच्चारण दांतों से होता है तो इसमें थोड़ा बहुत दिमाग था वही लगा पाया था तो अभी मैं यहीं पर आपको लिखवा के चल रहा हूं स्पर्श व्यंजन में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार का डाउट होगा यह क्लियर है आगे बढ़े स्पर्श मतलब जीव हमारे किसी न किसी उच्चारण स्थान को छूती है सेकंड हो जाता है हमारा कि जिसमें जीव जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है इन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्या कहते हैं बच्चा अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ इसलिए कहते हैं इनका उच्चारण इनका उच्चारण स्वर तथा स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है तो जिन वर्णों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण न तो व्यंजन के जैसा हो स्पर्श करे कहीं भी नहीं और ना ही स्वर अर्थात स्वर और व्यंजन स्वर में तो कहीं नहीं छूती थी और जीव व्यंजन में स्पर्श देखे कई जगह छूती है उसके बीच में कहीं पर रहे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इनकी संख्या चार है इनकी संख्या क्या है चार है इनकी संख्या चार है चार है देख लेते हैं कौन कौन से या रा, ला, वा। या, रा ला, वा। आप देख रहे हो जब हम या रा, ला, वा को कह रहे हैं उतने तरीके से हालांकि फिर कहोगे सर रा ला में तो जीव दांत को छू रही है लेकिन पूरी तरीके से भी दांत को नहीं छू रही ते थे दे, दे, ने। पूरी तरीके से दांत को छू रही है लेकिन रा ला दांत को पूरी तरह से नहीं टच कर रही इसका मतलब ना तालू को टच कर रही ना मूर्धन्य को टच कर रही ना होठों को टच कर रही लेकिन थोड़ा सा जब ध्यान दोगे क्योंकि स्वर और व्यंजन के मध्य बीच में तो थोड़ी सी कहीं पे टच कर रही होगी स्वर और व्यंजन के मध्य व्यंजन की तरह पूरी तरीके से भी टच नहीं कर रही होगी और स्वर की तरह सिर्फ ऐसे नहीं हो कि कंठ से उच्चारण हो रहा हो वायु कहीं भी रुकी नहीं रही तो बीच में कहीं कहेंगे तो ये जो चार होते हैं या रा, ला, वा। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है अब इनके बात, बारे में कुछ खास बात है या और वा। या और वा, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं तो आपसे पूछता है क्वेश्चन कि भाई इनमें से कौन आपको चार ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इन चारों में से कौन से अर्ध स्वर होते हैं क्या होते है? कौन से अर्थ स्वर अर्ध स्वर होते हैं तो याद रखिएगा इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहते हैं जैसे मैंने लिखा गई तो आपने देखा होगा गये ई ना लिख के आप इसको कैसे लिख देते हो गई लेकिन बोलते है, कैसे हो गई गई ई वाली नहीं गई या वाली आप बोलने की कोशिश करते हो इसी तरह कौआ कौआ तो वाह को वा, आप लोग क्या बोलते हो कौआ बोलने की कोशिश करते हो क्या बोलने की कोशिश करते हो कौआ जैसे कहीं पर हुआ कुआ कुआ तो कुआ को कैसे कहा जाता है कुआ कहा जाता है क्या कहा जाता है कुआ मिठाई मिठाई को कैसे लिखते हो मिठाई तो मिठाई नहीं होता है मिठाई आई यह ई की होती है याद रखिएगा यह के स्थान पर ई का प्रयोग ये के स्थान पर ई का प्रयोग और व के स्थान पर आ, आ का प्रयोग हम लोग करते कहने का मतलब कि है तो ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन फिर भी इनके स्थान पर हम स्वर का प्रयोग कर सकते इसीलिए आधे स्वर अर्ध स्वर भी कह देते इनको पूरे स्वर नहीं क्या कह देते आधे स्वर कह देते हैं क्यों क्योंकि हम यह और वाक्य स्थान पर स्वर का प्रयोग कर सकते हैं, ई प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए पूरे तरह से स्वर नहीं कुछ स्वर का प्रयोग कर सकते हैं इसलिए इनको क्या कहा गया अर्ध स्वर कहा गया क्या कहा गया बच्चा अर्ध स्वर कहा गया क्लियर है सेकेंड चीज आ जाती है या का जो उच्चारण स्थान होता है ये बच्चा आपका तालू होता है क्या होता है तालू तो आप इसे तालव्य व्यंजन भी कह सकते हो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है तालू या बोल के देखो या पूरी तरीके से जीव तालू को टच नहीं करेगी लेकिन फिर भी या, 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 या। जोर जो पड़ेगा वो तालू पे पड़ेगा हल्के हद तक रा, रा को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है क्यों जब आप रा बोलते हो रा, 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 तो आपकी जीभ कंपन करती है जीभ में कंपन होता है जीभ में क्या होता है कंपन होता है जीभ में कंपन होता है एक और चीज क्या होती है बच्चा कि इसका जो उच्चारण स्थान होता है रा का यह हमारा दंत या एक इसको वर्त से कहते हैं एक इसको क्या कहते हैं वर्त से कहते हैं अर्थात ऊपर के दांत के मसूड़े को ऊपर के दांत के मसूड़े को टच करती है जीव दंत भी कह सकते हो और इसे आप वर्त से भी कह सकते हो दंत का मतलब तो रा थोड़ा बहुत दांत से और वर्त से का मतलब है रा तो ऊपर के दांत के जो मसूड़े होते हैं वहां टच करती है इसमें एक ला होता है क्या होता है ला ला को हम लोग पाशर्विक व्यंजन कहते हैं क्या कहते हैं पाशर्विक व्यंजन कहते हैं क्या कहते हैं पाशर्विक व्यंजन वायु जीव के बगल से निकलती है हवा जीव के जीव की बगल से निकलती है हवा जीव की बगल से निकलती है जीव की बगल से निकलती है बोलोगे ला तो ऐसे लगेगा जैसे जीव है एकदम बगल से तेज हवा निकल गई ला 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 और इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसका उच्चारण स्थान भी दंत या वर्त से होता है वर्त से क्या होता है मैं लिखवा चुका हूं इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है दंत या वर्त से होता है। दंत और वर्त से होता क्या है यह मैं लिखवा चुका हूं आगे आ जाता है या रा व इसमें से वाजो होता है इसका उच्चारण स्थान इसका उच्चारण स्थान दंथोष्ठ होता है क्या होता है दंतोष्ठ दंतोष्ठ का मतलब है कि दांत और ऊपर का होठ दांत और ऊपर का होठ बोल के देखो वा, 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 तो जो ये ऊपर के दांत और होठ जो है ये दोनों आपस में मिल जाएंगे बोल के देखो व वा, वा, बोलो वा, 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 मिले या नहीं मिले तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है दंतोष तो अंतस्थ व्यंजन अर्थात जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है क्या होता है स्वर और व्यंजन के मध्य होता है दूसरी चीज मुंह के भीतर से कह सकते हो पूरी तरह किसी को भी स्पर्श नहीं करती या और को एक साथ स्वर बोलते हैं क्योंकि उनकी जगह स्वर का प्रयोग किया जा सकता है लाको पाशर्विक व्यंजन बगल जीव के बगल से हवा निकलती है रा लुंठित रर, रर, क्योंकि रा बोलते समय आपकी जीव कंपन करती है प्रकंपित। थर्ड वाला जो व्यंजन का प्रकार पहला स्पर्श दूसरा अंतस्थ तीसरा हो जाता है उष्म व्यंजन तीसरी क्या हो जाती है उष्म व्यंजन एक चीज पर गौर कीजिएगा उष्म व्यंजनों को सिर्फ संघर्षी सिर्फ संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है सिर्फ संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है क्या होता है कि मुंह में हवा रगड़ खाती है मुंह में हवा रगड़ खाती है रगड़ खाती है जिसके कारण मुंह में हवा रगड़ खाती है जिसके कारण इनके उच्चारण में जिसके कारण इनके उच्चारण में मुंह में हवा रगड़ खाती है जिनके कारण इनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है जिसके कारण इनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है ऊष्मा निकलती है या आप यह कह सकते हो कि यहां पर गर्माहट निकलती है क्या निकलती है गर्माहट क्या है कि जब आप अंदर से हवा आती है इनका उच्चारण होता है हवा आती है और वो मुंह में रगड़ खाती है स्पर्श तो जीव कहीं नहीं करती लेकिन हवा रगड़ खाती है ऐसे लगता है इनके उच्चारण में जैसे मुंह किसी ने छील दिया हो हाथ आगे लगाओगे शा सा हा, तो हमारी जो हवा का हाथ पर असर होगा वो गर्मी जैसा होगा उष्मा लगेगी गर्माहट लगेगी तो इन्हें क्या कह देते व्यंजन या इनको संघर्षी व्यंजन भी कह दिया जाता है और उष्म या संघर्षी इनकी संख्या भी चार होती है इनकी संख्या क्या होती है चार व्यंजन भी संख्या में चार है और इसका क्रम है सबसे पहले शाह शा शलजम, उसके बाद में शाह शतकोण स से सपेरा और हा से हलकारा शलजम कोण सा हलकारा किसने खाया सलजम खाने की चीज कोण? शत सा खाया कौन सा खाया ऐसे करके ट्रिक से भी याद कर सकते हो ऐसे करके ट्रिक से भी याद कर सकते हो इनको संघर्षी भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते संघर्ष होता है इनमें शाह का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य होता है तालु पे जोर पड़ता है इसका उच्चारण स्थान शट शट जब आप ऐसे बदलोगे मूर्धन्य से होता है इसको तो आप बोलते हो दंत या वही वर्त से और हा जो होता है इसको कंठ है या इसका उच्चारण स्वर तंत्रीय भी कहते हैं बिल्कुल कंठ में जो मौजूद हमारे वोकल कोर्स होते हैं हमारे मुंह में जो मौजूद स्वर तंत्र होता है वह से इसका उच्चारण होता है हमारे मुख में मौजूद स्वर तंत्र से इसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है काकल्य व्यंजन तो शलजम इसका उच्चारण स्थान तालु से इसलिए इसको तालव्य कहा जाता है शट जी उल्टी होगी शट बोल रहे ना तो वाले से याद कर लेना टै का मूर्धन्य से होता है सा 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 देख रहे हो जीभ दांत और दांत के नीचे मसूड़े को टच कर रही है हा, 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 हा। अर्थात आपका कंठ कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है चलिए आगे चाहते चौथा टाइप व्यंजनों को चार भाग में बांटा कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन दूसरे वाले अंतस्थ तीसरे वाले ऊष्म और चौथे क्या हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन चौथे क्या हो जाते हैं बेटी संयुक्त व्यंजन संयुक्त अथवा दो, दो व्यंजनों के मेल से बने हुए दो व्यंजनों के मेल से बने दो व्यंजनों के मेल से बने अर्थात जब दो व्यंजनों का मेल होता है तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनकी भी संख्या चार है छह से क्षत्रिय त्र से त्रिशूल ज्ञा से ज्ञानी और श्रा से श्रमिक ये किस किस के मेल से बनते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं तो याद रखिएगा ये हमारे जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं ये जिनके मेल से बनते हैं उसका जो पहला होता है वो अपूर्ण व्यंजन होता है पहला क्या होता है अपूर्ण व्यंजन होता है अपूर्ण व्यंजन अपूर्ण क्यों बोला है मैंने उसके नीचे हलंत लगा हुआ है एक चीज और ध्यान देना जब आपको कुछ समझ में ना आए का तो से लिखोगे शाह को एसच से लिख सकते हो तो तुरंत समझ जाओगे के, के मतलब अगर के बोलता पूरे के पूरे का या ई बोलता या आई बोलता तो इसका मतलब इसके साथ स्वर लगा होता सिर्फ के लिखा इसका मतलब हलंत वाला त्र तो टी तो पूरा का पूरा टी तो आधा और रा मतलब इसके साथ पूरा का पूरा ज्ञान को कैसे लिखते हैं जी वाई ए एन ज्ञा होता है ना ज्ञा तो वाई ए तो ऐसे कैसे बन गया और जी ऐसे कैसे लिख देना जा और शिरा तो एस एच यहां पे एच भी कह सकते हो शिरा तो पहला वाला जो होता है वो अपूर्ण होता है पहले वाले में क्या लगा रहता है हलंत लगा रहता है तो क प्लस छा कस क्षत्रिय लिखते हैं ना क्षत्रिय को जब आप क्षत्रिय की स्पेलिंग लिखोगे तो कस क्षत्रिय लिखा जाता है इसका मतलब होता है एस एच ए। लिखा रहता है ना ये अगर आप श्रेय लिखोगे तो श्रेय मिक स्पेशल ट्रेन ऐसे तो लिखते है? एस एच आर ए और एस एच ए हो तो शैत शतकोण और एस ए हो तो सा समझ रहे हैं मेरी बात चलिए तो ये चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं इसमें खास बात और है इसमें खास बात और है जैसे मैंने लिखा का से कबूतर मेरे पास देखो चार शब्द हैं मैंने लिखा का से कबूतर छा से है समझना तीसरा मेरे पास शब्द है त से तरबूज चौथा शब्द है त्रि से त्रिशूल पांचवा शब्द है मेरे पास जैसे से जहाज छठा है ज्ञा से ज्ञान सातवां मेरे पास शब्द है से शलजम और आठवां शब्द है श्रा शे श्रमिक कोई कहे मुझे इसे हिंदी शब्द में लगाओ क्या लगाओ हिंदी शब्द में हिंदी डिक्शनरी में लगाइए इन्हें कि भैया इन्हें हिंदी शब्द कोश में लगा के दिखाओ हिने हिंदी शब्द कोश में तुम्हें तो कैसे लगाऊंगा तो मुझे पता है पहले तो का से कबूतरी आएगा अब क्या आना चाहिए तरबूज आना चाहिए जहाज आना चाहिए? चाहिए या इनमें से कोई तो देखो हमने देखा कि जो से छत्री है वो असल में बना हुआ तो इससे है इसका जो पहला व्यंजन है वो तो का है तो का वाला यही पहले आना चाहिए का के बाद में तो याद रखिएगा जो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं इनका जो पहला वाला अपूर्ण व्यंजन होता है उसी के बाद में इसका क्रम आता है हिंदी शब्द कोश में संयुक्त व्यंजन का जो क्रम होता है वो अपूर्ण व्यंजन के बाद का होता है का के बाद में ता के बाद में जा जाके बाद में ग्या और श्या के बाद में श्रमिक ये शब्द कोश में क्रम होता है क्यों होता है क्योंकि है तो ये संयुक्त लेकिन बना हुआ किससे का स्टार्टिंग की जो ध्वनि है शुरू की जो ध्वनि है वो का है चलिए संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें तो दो ध्वनियों से वैसे निर्मित है तो इनका एक उच्चारण स्थान हो भी नहीं सकता ठीक है चलिए अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो हमने देखा स्पर्श व्यंजन क्या होते एक यहीं पर लिखना चाहो तो लिख लीजिए कि स्पर्श व्यंजन में ही एक स्पर्श संघर्षी होते हैं स्पर्श संघर्षी स्पर्श व्यंजन भी होते हैं और जब उन्हें बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुंह छिल गया हो चा छा जा झा एकदम ऐसे निकलती है हवा मुंह से चा छा जा, जा, जा। अजीब सी स्पर्श क्यों बोला क्योंकि ये स्पर्श ग्रुप के इनके बोलते समय जीव तालू को टच करती है और सिर्फ संघर्षी की बात करते हैं तो ये दोनों सिर्फ संघर्षी हो जाते हैं ये दोनों क्या हो जाते हैं बेटी संघर्षी हो जाते हैं यहां तक बताइए कोई दिक्कत यहां तक बताइए कोई दिक्कत चलिए आगे जाते हैं आपका एक और इसमें होता है फिर आगे अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष करके आज इसको खत्म कर देंगे एक और होता है बेटी आपका द्विगुण व्यंजन कौन से व्यंजन द्विगुण व्यंजन जिनको उत्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं या इनको नव विकसित व्यंजन भी कहते हैं क्या कहते हैं नव विकसित व्यंजन एक एक की बात है एक एक चीज की बात है एक एक चीज की द्विगुण या उत्सिप्त क्यों कहती क्योंकि जीव जो होती है एक बार मुंह की ऊपर एक बार मुंह की ऊपर की छत मुंह की ऊपर की छत और एक बार नीचे की छत एक बार नीचे की छत से टकराती है एक बार मुंह के नीचे की छत से टकराती है मुंह के नीचे वाली छत से टकराती है कि छत से टकराती है जब आप इसका उच्चारण करते हो द्विगुण व्यंजन का जिसको उत्क्षिप्त भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है एक बार जीव ऊपर एक बार जैसे ढक्कन गिरा हो पिस्टन सा चल रहा हो एक बार ऊपर टकराएगी फिर नीचे डॉ समझिए मेरी बात इनकी संख्या दो है यदि मैं नॉर्मल ढा बोलू डा ढा ऐसे बोलू तो कहीं नहीं टकराई जैसे मैं नीचे बिंदु लगा देता हूं तो ऐसे लगता है ढा ड ढा तो देखो डा बोल के देखो डा 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 ऊपर नीचे ढक्कन सा ढ एक बार जीव ऊपर जाएगी एक बार जीव नीचे आएगी ड ढ हो रही है नहीं हो रही है इसका अर्थ इनको क्या बोलते हैं उत्षिप्त बोलते हैं इनकी संख्या दो है ये कितने हैं दो है ये भी क्लियर हो गया इसका मतलब यहां की जो है कुछ इतनी चीजें नहीं बची यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अब अल्प प्राण महाप्राण सघोष और अघोष पर आ जाते हैं अल्प प्राण महाप्राण सघोष और अघोष पर आ जाते हैं बताइए फटाफट फड़, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अब तक हमने व्यंजनों को जो बांटा वो प्रयत्न के आधार पर बांटा हवा के की जीव छूती है नहीं छूती है उनको बोलते समय कोशिश कैसी होती है अब बांटेंगे बच्चा उच्चारण में कितनी वायु बाहर निकल रही है उसके आधार पर तो प्राण वायु प्राण वायु कह सकते हो या उच्चारण में मुख से निकली उच्चारण में मुख से निकली वायु की मात्रा के, के आधार पर उच्चारण में मुख से निकली वायु की मात्रा के आधार पर उच्चारण में मुख से निकली वायु की मात्रा के आधार पर वायु की मात्रा के आधार पर चलो वायु बाबू जो आपके अंदर से सांस आती है क्या आती है सांस आती है वो सांस नहीं आती है। तुम कहते ना प्राण उड़ गए तो उसी सांस को हम लोग क्या कहते हैं प्राणवायु कहते हैं तो इसी की मात्रा कितनी है उच्चारण में मात्रा कितनी है अगर मात्रा कम है अगर मात्रा क्या है कम उच्चारण में आपका मुंह कम खुलता है या आपका मात्रा उच्चारण में वायु कम निकलती है सांस कम निकलती है तो अल्प प्राण और महा का मतलब क्या होता है ज्यादा तो यदि आपका उच्चारण करते समय मुंह से सांस ज्यादा निकलती है सांस की मात्रा ज्यादा निकलती है तो उसे क्या कह देते महाप्राण अल्प माने कम सांस अल्प का मतलब ही क्या होता है कम और सांस कम माने अल्प और सांस माने प्राण और महा का मतलब क्या होता है ज्यादा महान देवता यहां तक कोई परेशानी चलिए अरे नेट बढ़वा लो रिचार्ज थोड़ा सा तो वायु या उच्चारण में मुख से निकली मात्रा के आधार पर हमने दो भागों में बांटा व्यंजनों को कि यदि बाबू ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में या जिसको बोलते समय आपके मुख से सांस की कम मात्रा निकलती है तो अल्प प्राण और सांसों की ज्यादा मात्रा निकलती है तो महाप्राण सांसों में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आए ऐसा वाला कुछ क्लियर है तो सबसे पहले आ जाता है अल्प प्राण व्यंजन एक तरफ डाल दो अल्प प्राण एक तरफ डाल दो महाप्राण और बस समझने की कोशिश करना सबसे पहले स्पर्श व्यंजन वाला ग्रुप देखो का खा गा घा न्या टा ढा तै भे 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 वैसे आजकल सांसों में तेरी सांस मिले तो कहीं कोरोना ना हो जाए ये भी हो सकता है चलिए अब इसका एक एक बोल के देखो यदि आपको लगता है कि सांस कम निकली है कम तो वो अल्प है सांस आपको लगे ज्यादा निकली है तो वो क्या है महा है देखना का, 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 का खा ग खै घे घे आप देख रहे हो कि जब भी हम दूसरे और चौथे वर्ण के पास जा रहे हैं तो सांस ज्यादा निकल रही है पहले तीसरे और पांचवें की तुलना में यदि हम इसको नाम दे दें ग्रुप को हर एक ग्रुप को एक नाम दे दें पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप चौथा ग्रुप पांचवा ग्रुप तो आप देख रहे हो कि व्यंजन वर्ग के दूसरे और चौथे के समय इनके उच्चारण में आपके मुख से ज्यादा वायु बाहर आ रही है क्या आ रही है ज्यादा वायु जबकि पहले तीसरे और पांचवें उससे कम वायु मान लेते इसमें गलत हो सकता है दूसरे का देख लेते चे, चे, जे, जे, ने छो डे ढ था द धा न पा फा ब तो बिल्कुल साफ तौर पर पता चल गया कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का एक एक चीज के लिए लिखना कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का स्पर्श व्यंजन वर्ग का प्रत्येक वर्ग का वर्ग चावर्ग टावर्ग ता, ता या पा प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग इससे मेरे कहने का तात्पर्य क्या है का वर्ग या चा वर्ग आदि इन वर्गों का सम स्थानिक या सम स्थान वर्ण जो सम स्थान पर है इवन दूसरे चौथे जो दो से भाग हो जाती हैं, या दूसरा तथा चौथा व्यंजन स्पर्श व्यंजन वर्ग का सम स्थान वाला वर्ण या दूसरा और चौथा व्यंजन दूसरा और चौथा व्यंजन दूसरा और चौथा व्यंजन और इसमें क्या लिखोगे सेम टू सेम कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का विषम स्थान वाला विषम स्थान वर्ण विषम मतलब जो पहले तीसरे या पांचवें नंबर पर आता हो पहले तीसरे या पांचवें नंबर पर महाप्राण अर्थात प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का सम स्थान वाला वर्ण दूसरा या चौथा व्यंजन या प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण हो जाता है और दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाता है यह तो स्पर्श व्यंजनों की बात होगी अब देख लेते हैं जो व्यंजन होते हैं। के उच्चारण करके देखो अंतस्थ व्यंजनों में देखोगे तो या रा ला, वा। बहुत कम मात्रा आ रही है और इधर देखोगे ये अलग है इसके नीचे लिखना उष्म व्यंजनों का उच्चारण करके देखो तो मुंह से बहुत सारी वायु बाहर आएगी शा शा सा हा इसका मतलब उष्म का मतलब है गर्मी ज्यादा निकल रही है कहते ना माने गर्मी तो गर्मी तो 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 ज़्यादा ही निकलती है शा हा तो ये महाप्राण होती जबकि जितने भी जब भी आपको कंफ्यूजिंग हो कि कौन सा अल्प प्राण है या नहीं है तो मैं कल क्वेश्चन कराते समय भी बताऊंगा आप उसको मुंह से बोल के देख लेना कम निकले तो अल्प प्राण ज्यादा निकले तो महाप्राण क्लियर कोई दिक्कत कम निकले अल्प प्राण ज्यादा निकले तो महाप्राण यहां तक बताइए अल्प प्राण महाप्राण में कोई दिक्कत है व्यंजन महाप्राण होते हैं। अंदर से उष्मा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। कम मात्रा बताइए बच्चा यहां तक बेटी किसी को आप में से कोई दिक्कत यहां तक कोई किसी किस्म की परेशानी चलिए जैसे आपको यह दे दिए चार क्या दे दिए यह व्यंजन दे दिए आपको क्या दे दिए बच्चा ये आपको चार व्यंजन दे दिए पूछा इसमें से कौन सा एक महाप्राण है कौन सा एक महाप्राण है कुछ भी दिक्कत नहीं है का मान लो ये भाई ये का ला ह जब भी आप है बोलोगे, इन तीनों के मुकाबले आपके मुख से ज्यादा सांस निकल रही है और यही क्या हो जाता है आपका महाप्राण हो जाता है यही क्या हो जाता है महाप्राण अगर अब अल्प प्राण की संख्या देखोगे तो पहला तीसरा पांचवा तो हर एक वर्ग जैसे का वर्ग के तीन इसी तरह कुल पांच वर्ग है, तो पंद्रह तो ये हो गए और चार कौन से हो जाते हैं चार हो जाते हैं है? तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है उन्नीस बाकी महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है हर एक वर्ग में दो पान दूनी दस और चार हो जाते उष्म व्यंजन चौदह तो अल्प प्राण होते उन्नीस और महाप्राण होते चौदह हा महाप्राण है क्योंकि इसमें ज्यादा सांस निकल रही है बिल्कुल समय अब आगे आ जाते हैं व्यंजनों का विभाजन व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर यदि कंपन अधिक है कंपन अधिक स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक है ज्यादा कम कपाती है वाइब्रेट करती है तो उनको घोष व्यंजन या घोषवण या वर्ण बोलते हैं घोष मतलब कि जिनमें ज्यादा घोष स्वर तंत्रियां कंठ में ज्यादा कंपन हो रहा है और यदि कंपन कम है कंपन की मात्रा कम स्वर तंत्रियों में कंपन की कम मात्रा तो उन्हें आघोष अर्थात बिना घोष के या कम कंपन बिना घोष के या कम कंपन अब घोष अघोष ये जो घोष या सघोष होते हैं इनमें घर घिर इस तरह की एक आपको गले में कंठ पे लगेगी जैसे गा, गा गा इस तरह से आपकी जो स्वर स्वरतंत्रियां वो घिस गई हो घर का खा इसे बोलोगे अल्प में कोई घराहट नहीं होगी इसमें घराहट सी होगी बस इतना याद रखिएगा सघोष है घिरहट नहीं हो तो क्या हो जाएगा अघोष हो जाएगा अब में आपसे फिर से देखते हैं कि किसमें घिराहट हो रही है किसमें घिराहट नहीं हो रही क वर्ग लिख के देख लिया पूरा का पूरा का वर्ग का खा गा घा न चा छा जा झा न टा ठा डा ढा उड़े ता था दा धा उड़ी पा फा बा भा चलिए अब देखो ये पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर पांचवा नंबर एक एक को बोल के देखो का बोलो और यहां पे गौर करो अपने कंठ पर का का झ ता, था दा, धा ण प फ देख रहे हो कि जब भी आप ये पहले दूसरे बोल रहे हो पहला और दूसरा आपके कंठ में उतना कंपन नहीं हो रहा लेकिन जब आप ये तीसरा चौथा पांचवा बोल रहे हो तो इनमें कंपन हो रहा है पहले दूसरे में कुछ नहीं हो रहा लेकिन तीसरे चौथे पांचवे में, में हो रहा है तो जिसमें कंपन ज्यादा हो रहा है इन्हें सघोषवण कहते हैं क्या कहते हैं सघोषवण तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा और व्यंजन सारे के सारे स्वर जो होते हैं सभी स्वर जितने भी आपके स्वर हैं उनमें भी कंपन होता है और तीसरा या रा व और हा इनमें भी आपका कंपन होता है तो ये सारे के सारे क्या है सघोष और ये जो हो जाते बाकी बचे हुए पहला और दूसरा हर एक प्रत्येक व्यंजन वर्ग का ये हो जाते अघोष क्या हो जाते अघोष अर्थात पहला और दूसरा और बाकी बचे हुए जो हमारे तीन उष्म व्यंजन है जो तीन उष्म व्यंजन है कहने का मतलब यह भी है कि अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ जो हा होता है तो हा, हा, हा यहां तो वैसे ही स्वर तंत्रियों में कंपन होता है इसलिए हमने हा को भी किस में रखा है हा को भी हमने सघोष में रखा है तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हमारा क्या होता है सघोष कुछ नहीं करना ग गा, गा, ह इस तरह से साउंड आएगी घिरहट सी आएगी लेकिन पहले दूसरे में घर्राहट नहीं है उष्म के इन पहले तीनों को देखोगे इसमें भी आपको कोई घर्राहट नजर नहीं आएगी शा शा सा इसमें भी आपको कोई किसी प्रकार की कोई घर्राहट नजर नहीं आएगी घिर्राहट हो तो सघोष या सिर्फ घोष घोष या सघोष एक ही बात होती है आ मतलब नो घोष आ का मतलब क्या होता है नो जैसे गिनत जिनकी गिनती हो सके अगिनत जिनकी गिनती नहीं हो सकती अनगिनत तो आ मतलब नो घोष कोई उतना खास कंपन नहीं होता पहला दूसरा और तीन हो जाते हैं शलजम सतकोण और सपेरा चलिए बेटी इसमें किसी प्रकार की परेशानी सिर्फ आपको यह गौर करना है कि हमारे गले में घोष हो रही है या नहीं हो रही ठीक है बेटी ठीक है शाबाश। तो आप यह कह सकते हो कि इसको जब आप गिनोगे तो तीन 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 तीन, 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 तीन पंजे पंद्रह पंद्रह और पांच बीस बीस तो हो जाते सघोष वर्ण और बाकी बचे हुए चौदह क्या हो जाते हैं अघोष पांडुरी दस दस और ये तीन ये दस और तीन तेरह तेरह क्या हो जाते अघोष हो जाते हैं तेरह क्या हो जाते हैं अघोष हो जाते चलिए यहां तक कोई दिक्कत अब अंत में सब का एक साथ उच्चारण स्थान देख लेते हैं यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले लिख लीजिए कंठ से उच्चारण स्थान एक साथ लिखवा रहा हूं सभी का जिनको कंठे वर्ण कहोगे तो ए आ पूरा का, पूरा का जो के वर्ग होता है कै खे अलावा गे, गे, हा और जो विसर्ग होता है क्या होता है विसर्ग इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है कंठ होता है तालव्य वर्णों की बात करूं तो सब मिला के एक साथ छोटा ई बड़ा ई छ जे, जे, ने यश ऐसे और याद कर लेना या और शा, दोनों तालव्य होते तालू में बोल के देख लेना या शा, ऐसे लगेगा जैसे ऊपर तालू में आपको जोर पड़ रहा हो मूर्धन्य से ऋषि ठा ढा, डाढ़ा शैपे शलजम डा और ढा ये तो होते हैं शलजम कहां से होता है से। इसमें तो आपको याद करने की दिक्कत ही नहीं है इसमें देखो ऐसे खुला हुआ खाली और बस ये ऐसे बंद है तो दोनों लगभग एक जैसे बने हुए हैं ना तो वहीं से याद कर लेना उसके बाद में आ जाता है दंते जिनका दांत से होता है दांत से कौन से हो जाते हैं हमारे ता था द और इसके अलावा सरल से रे इन तीनों को वर्त से भी कहते हैं एक साथ लेकिन अगर ऑप्शन में वर्त से ना हो तो दंते लगाना फिर आ जाता है होठ है। होठ से ऊ, ऊ, पा, फा बा, भा, और दंतोष्ठ दांत और होठ व कंठ तालव्य कंठ तालव्य ए से आई ऐसे एनक कंठ ओष्ठ से ओखली औ से औरत इस तरीके से ये सभी जितने भी मुख्य वर्ण हैं उन सब का एक साथ उच्चारण स्थान हो जाता है उन सभी का एक साथ उच्चारण स्थान हो जाता है राना तुम यहां थोड़ा ध्यान दे लो यहां तुम कि सभी पीडीएफ पीडीएफ देता नहीं हूं क्या इनके भी दे दूंगा ये बताइए समझ में आया नहीं आया ये चीज आपको सरल समझ में आई या नहीं आई वर्त से का अर्थ क्या होता है यह तो आपको पता है ना वर्त से का अर्थ क्या होता है ये चीज समझ में आई बिल्कुल क्लियर सघोष अघोष वर्णमाला अक्षर वर्ण वर्ण सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से किसका उच्चारण कहा से होता है कौन कहां से बोला जाता है मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको रही होगी ना न चलिए दो चीज और इसमें लिख लीजिए जैसे कभी कभी क्या होता है हक का बक्का तो आपने देखा कि यहां पर दो व्यंजन एक जैसे हैं तो जहां पर दो व्यंजन एक साथ हैं समान व्यंजन उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं तो पूछ लेता इसमें से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है कभी कभी आपसे आगत ध्वेनिया पूछ लेता है दूसरी भाषाओं से आई हुई आगत ध्वनिया तो कोई उर्दू और कोई अरबी फारसी से अगर हमने ली है तो जैसे जय जै, नीचे नुक्ता लगा रहता है ज़मीन, जा, ज़मीन, जा, बोलते, जा, जमीन, जमीर, इस तरीके से इन्हें आगत ध्वनिया कह देते या इन्हें आगत व्यंजन भी कह देते इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता काकल्य लुंठित प्रकंपित ये सब आपके हो गए संघर्षी इस पर संघर्षी अब आपके कल देखेंगे जितने भी एग्जाम में आज तक वर्णमाला से क्वेश्चन आए हैं उन सभी को एक साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे कम से कम 200 क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको दूंगा आज तक के आए हुए सारे के सारे ठीक है भैया तो उसके बाद में वर्णमाला कभी आपकी गलत नहीं होगी जो फर्स्ट चैप्टर उसको लगातार रिवाइज करते रहे ना संधि इतना जबरदस्त कराऊंगा वर्णमाला के बाद में संधि इतनी जबरदस्त इतने सारे शब्द दूंगा कि लोगों ने देखे नहीं होंगे कॉपियों में किताबों में ठीक है चलिए फिर कैसी लगी बताइए जल्दी से सभी लोग बताइए नुक्ता कह देते हैं बिल्कुल सही इसे नुक्ता जमीर ठीक है चलिए हमें परेशान मत करो पाली वाल तुम्हें परेशान कर रहा हूं मैं अरे खच्चड़ो देता नहीं हूं क्या कितने कितने तो कुछ भी दे रहा हूं उसका भी कभी कह दो कि हाँ सर क्विज भी दे रहे हो पीडीएफ भी दे रहे हो इसे भी दे दूंगा रामफल हो इसे भी दे दूंगा थोड़ा सा अभी क्या है कि तो ऑफिस में कई लोग बीमार हैं तो छुट्टी सी कर रखी है वो टाइपिस्टों की कमी सी पड़ रही है चलिए फिर थैंक यू बच्चा